इजराइल और हमास का युद्ध एक बार फिर से अपने चरम पर जा चुका है, लेकिन इस बीच हिंद महासागर में भारतीय तट के करीब एक व्यापारिक जहाज पर तेज ड्रोन अटैक किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने जाए तो शनिवार को हुए ड्रोन हमले के कारण जहाज में तेजी के साथ विस्फोट हुआ, जिसके चलते जहाज में आग लगने की जानकारी मिली है। हालांकि अब तक इस हादसे में किसी की भी जान गंवाने जैसी कोई भी खबरें नहीं आई है। इधर कई वैश्विक स्तर पर काम करने वाली न्यूज एजेंसियों की माने तो इस जहाज के इजराइल से जुड़े होने का दावा किया गया है। AFP की रिपोर्ट के मुताबिक हमले का शिकार हुआ जहाज लाइबेरिया के झंडे वाला ऑयल टैंकर था, जो इजराइल से जुड़ा हुआ था। इसके चलते माना जा रहा है कि यह गाजा पट्टी पर इजराइल की तरफ से लगातार बमबारी कर मचाई जा रही तबाही का जवाब भी हो सकता है। हालांकि पिछले दिनों इस इलाके में समुद्री डकैत भी बड़े पैमाने पर एक्टिव हुए थे, जिन्हें भारतीय नेवी ने करारा जवाब दिया था। ऐसे में यह उनका भी कारनामा हो सकता है। अभी तक किसी ने भी इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। इधर भारत के लिए यह चिंता का विषय भी माना जा रहा है, क्योंकि अब भारतीय समुद्री इलाके में गुजरात के वेरावल के करीब दक्षिण पश्चिम में हुआ है। ब्रिटिश मिलिट्री के यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस यानी कि UKMTO और मैरीटाइम सिक्योरिटी फर्म एम्ब्रे ने इस इलाके से गुजरने वाले अन्य जहाजों के लिए भी अब चेतावनी जारी कर दी है। मीडिया रिपोर्ट्स में इस बात को लेकर UKMTO के हवाले से लिखा गया है कि लाइबेरिया के झंडे वाला केमिकल टैंकर इसराइल से संबद्ध था। इस पर हमला किसी मानव रहित एरियल सिस्टम यानी ड्रोन से किया गया है, जिसकी जांच अथॉरिटीज कर रही हैं। इससे पहले बता दें कि यह घटना इसलिए भी अहम मानी जा रही है क्योंकि भारतीय नेवी ने सोमवार को समुद्री डकैतों के खिलाफ ऑपरेशन किया था। भारतीय नेवी ने माल्टा के एक कार्गो जहाज पर सोमवार को घायल जहाजी को निकालने में मदद भी की थी। बता दें कि अरब सागर में MV युर्न नाम के इस जहाज में 6 समुद्री डकैतों के अवैध तरीके से घुसने की सूचना मिली थी, जिसके बाद इंडियन नेवी ने कार्रवाई की थी। इसके चलते यह माना भी जा रहा है कि शनिवार की घटना भी समुद्री डकैतों द्वारा अंजाम दी जा सकती है, लेकिन वैश्विक मीडिया इसका गाजा पट्टी पर इसराइल के हमले से भी लिंक जोड़ रहा है। बता दें कि अभी तक किसी की ओर से भी इसे लेकर ऑफिशियल बयान नहीं जारी किया गया है। हालांकि इस हमले को भारत के लिए देखा जाए तो चिंता का विषय भी हो सकता है, यदि यह हरकत समुद्री डकैतों द्वारा जानबूझकर की गई हो तो। बता दें कि पिछले कुछ सालों में हिंद महासागर में समुद्री डकैतों की हरकतें बढ़ी हुई है। यदि इनको रोका नहीं गया तो इस इलाके में समुद्री जहाजों से व्यापारिक लेन देन प्रभावित हो सकता है, जिसका खासा असर भारत की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है। ऐसे में देखना होगा कि आखिर कौन इस हमले की जिम्मेदारी लेता है और वास्तव में क्या यह भारत के लिए चिंता का विषय साबित होगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी के हम और ताजा अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें 1 इंडिया हिंदी।